दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल अकाउंट कैसे बनाएं। जैसा कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में गूगल अकाउंट नहीं है तो आपका न तो प्ले स्टोर चलेगा न तो कोई आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर की जितनी भी सर्विस है उसे यूज नहीं कर सकते, मोबाइल की कोई भी सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। ऐसा तब होता है जब आपके पास कोई नया फोन आ जाए तो उसमें जो है गूगल अकाउंट नहीं बनकर आता। सिंपली उसे बनाने के लिए करना क्या होगा, 2024 में आप अपने गूगल ऐप को ओपन कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसे ओपन कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर गूगल लिखकर आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक आइकन बन के आता है प्रोफाइल का, यानी एक आइकन बन के आता है समझ लीजिए कोई प्रोफाइल या फिर यहाँ पर गोला सा आइकन बन के आता है। सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आता है, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन इन का ऑप्शन आता है सिंपली यहाँ पर ऐड एन अकाउंट का ऑप्शन आता है, सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेक इन इन्फो होगा और आगे की तरफ स्टेप बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, जिसके पास ऑलरेडी अगर गूगल अकाउंट बना हुआ है तो वो डालकर यहाँ पर लॉग इन कर सकता है। गूगल अकाउंट का मतलब जीमेल आईडी और ईमेल आईडी सेम ही होता है, यानी तीनों चीज़ सेम ही होता है। गूगल अकाउंट में आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें नया बनाना है, आपको भी नया बनाना है, सिंपली क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, यहीं पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चिल्ड्रेन, फॉर माई वर्किंग माई बिजनेस। यानी आप अपने लिए बना रहे हैं पर्सनल यूज के बना लीजिए। इसके बाद फॉर माई चिल्ड्रेन मतलब अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, चिल्ड्रेन पर क्लिक करिए। फॉर माई वर्क बिजनेस यानी बिजनेस वर्क के लिए, तो फॉर माई वर्क बिजनेस, तो मुझे पर्सनल यूज के लिए बनाना है, सिंपली फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट एक गूगल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नेम डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपली नेम डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, जो भी आपको अपना नेम डालना है आप अपना नेम डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो सिंपली बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ अपना रियल जो भी डेट ऑफ बर्थ हो जो कि आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, तो मैं रियल डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ले रहा हूँ। नीचे आपको जेंडर चूज़ करना है, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। सिंपली मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जेंडर चूज़ करके, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ईमेल एड्रेस चूज़ करना होगा। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर होता है उसी तरीके से एक ईमेल एड्रेस भी चूज़ करना होगा। ईमेल एड्रेस आपके नेम का और कुछ लेटर का मिलाकर होता है, जैसे कि ये नेम हो गया, और इसके बाद कुछ आप अलग से कुछ लेटर आप लगा सकते हैं, क्योंकि उस हो सकता है उसी नेम से मल्टीपल जीमेल आईडी बनी हो। यहाँ पर मैंने कुछ लेटर लगा दिया। इसके बाद कुछ यहाँ पर अंक लगा दिए, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 को मैं ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर इस नेम से यूज़र आईडी खाली रहेगी तो आपका बन जाएगा, नहीं रहेगी तो आपका रेड कलर आइकन आ जाएगा, यानी आपका गूगल अकाउंट का। इस पर नीचे शो हो जाएगा कि आप दो नेम या शो हो जाएंगे इस नेम से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप 8 अंकों से ज़्यादा का पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 अंकों का ज़्यादा पासवर्ड आपको यूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड योर फ़ोन नंबर, अगर आप अपने जीमेल आईडी पे फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं यानी गूगल अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। या SIM करके मुझे नहीं ऐड करना है, सिंपली स्पिक कर दूंगा। स्पिक करने के बाद रिव्यू और अकाउंट, आपका ईमेल एड्रेस यही है, साइन इन करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि यही, इसी को आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। कभी भी आप किसी के मोबाइल फोन में साइनिंग करना चाहेंगे तो ओंकार GNP2 डालकर साइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आ जाता है गूगल का प्राइवेसी एंड टर्म्स, यानी जो भी प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं जो भी आपके गूगल अकाउंट के, वो भी सारे कुछ सो जाएंगे। इसके बाद एग्री पे क्लिक कर देते हैं। एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से सो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के सामने। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका 100% आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो है गूगल अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। सिंपली बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद एक दो बार रिफ्रेश करेंगे आप, तो चलिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसके बाद इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये गूगल अकाउंट शो होने लगा है। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपने गूगल अकाउंट को बना सकते हैं 2024 में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। गूगल अकाउंट रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम है उसे भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।